नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लचार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कन्या राशि वालों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब 7 सितंबर से राजा जैसे जिंदगी जीने का अवसर मिलने वाला है। कन्या राशि के जातकों, अब माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ और बड़ी सफलताएँ एवं कामयाबी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों बता दें कि धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कन्या राशि के जातकों, अब आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे, कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होंगे जिससे कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि के जातकों, वो बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ कौन सी है, इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और साथ ही इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो कन्या राशि के जातकों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खास रहने वाली है। तो चलिए कन्या राशि के जातकों, चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आने वाले समय में आपके लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों, आपको बता दें कि आजकल के इस महंगाई भरे दौर में कौन नहीं चाहता कि उसके पास अपार धन संपदा हो, उसकी हर इच्छाएँ पूरी हो और पूरी इच्छाओं यानी कि इच्छाओं को पूरी करने के लिए ढेर सारा धन हो, और जब ढेर सारा धन होगा तो ऐसो आराम की जिंदगी भी होगी। बहुत सारा ना हो तो कम से कम इतना हो कि उसका गुजारा चल सके और अपनी जिंदगी में यानी कि अनेकों प्रकार के रुपए पैसे से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए, बुरी हालात ना आए। और अगर मान लीजिए गरीबी आ ही गई तो गरीबी में मुंह अगर देखना पड़ा तो निश्चित तौर पे आपके पास धन की कमी आएगी, कामयाबी आपके क्षेत्र से निकल जाएगी और आपके हाथों में सिर्फ असफलताएं ही प्राप्त होती, इसलिए धन का आना बेहद अच्छा माना जाता है। दोस्तों, घर में खुशियां छाई रहती है अगर आपके क्षेत्र में कामयाबी मिलती रहती है। आपके सारे बिगड़े काम जब बनने लगते हैं, धन आने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जब बन जाता है तो आप अगर कम मेहनत भी करते हैं तो आपको सफलताएं मिलने लगती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग तो धन छल कपट के द्वारा धन कमाने की यानी कि कोशिश करते हैं, लेकिन अमूनन ऐसे लोगों को शिकायत मिलती है कि धन उनके पास आता जरूर है लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते से चला भी जाता है। इसलिए सदैव धन अच्छे से और ईमानदारी से और सही रास्ते से कमाना चाहिए। दोस्तों, देवी लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है और कहा जाता है कन्या राशि के जातकों की इनकी कृपा जिस किसी पर भी हो जाए उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। ये बात हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में सभी एक बराबर नहीं होते हैं। किसी की अमीरी और किसी की गरीबी उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर कोई गरीब पैदा हुआ तो वह अपनी मेहनत से अमीर बन सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे अमीर हो या फिर गरीब, उनके अंदर धन कमाने की चाहत बाकियों से कुछ अधिक होती है। ऐसे में हमारे ग्रह नक्षत्रों में कोई भी जब परिवर्तन होता है तो उसका कुछ असर सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक भी देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अब ऐसा संयोग 7 सितंबर से बन रहा है जिसके कारण माता लक्ष्मी जी कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर मेहरबान हो रही हैं। दोस्तों बता दें कि 7 सितंबर को इस बार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पिठारी अमावस्या है, इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, 7 सितंबर को पिठारी अमावस्या बहुत ही शुभ दुर्लभ शुभ संयोग में इस बार पड़ रही है, जिसके कारण इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग जैसे कि इस दिन सर्वार्ध सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहा है, जिसके कारण माता लक्ष्मी जी कन्या राशि के जातकों के ऊपर बेहद प्रसन्न हो चुकी हैं और इनकी सभी मनोकामनाओं की पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा से कन्या राशि के जातकों, आप लोगों की किस्मत अब बदलने वाली है। दोस्तों, आपके घर में माँ लक्ष्मी जी के कदम पड़ने वाले हैं कन्या राशि के जातकों, जिससे कि आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ आने वाली है, अनेकों प्रकार के धन लाभ माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों बता दें कन्या राशि के जातकों की माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका मानसिक रूप से धार्मिक भावनाओं का उदय होगा। आपके लिए यह संयोग बहुत ही अच्छा और शुभफलदायक साबित होगा। आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे, कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होंगे जिससे कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपके जीवन साथी के साथ बहुत ही मधुर और अच्छे संबंध स्थापित होंगे और आराम करने के लिए अच्छे समय रहेंगे। साथी कुछ उपहार और गिफ्ट अपने जीवन साथी को दे सकते हैं। तो वहीं इस समय आपके प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात होगी, वरिष्ठ अधिकारियों से और उच्च अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। नौकरी में अच्छे पदोन्नत के साथ साथ सैलरी में वृद्धि होगी। लव लाइफ भी बहुत उचित साबित होने वाली है। लव लाइफ के लिए ये समय और आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, रोमांटिक से भरा रहेगा।
कलाकारी का काम करते हैं या फिर कला से संबंधित काम करते हैं या फिर आप फैशन डिजाइनर हैं या फिर आपके अंदर संगीत गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। कन्या राशि के कहूँ अब माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनने वाली है जिससे कि अब आपका जीवन ही बदल जाएगा। बता दें कि 7 सितंबर से इस महाशुभ संयोग के पड़ने के कारण कन्या राशि के कहूँ अब आपके करियर के साथ साथ बिजनेस व्यापार में बड़ी उपलब्धियां हासिल होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। लॉटरी सट्टा में जबरदस्त आप भाग्य आजमा सकते हैं, आपको धन लाभ जरूर होगा। जमीन प्रॉपर्टी का मामला सुलझता हुआ नजर आएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चला था तो वो भी सुलझता हुआ नजर आएगा। इसमें आपका बैंकिंग के क्षेत्र से महत्वपूर्ण लोन वगैरह मंजूर हो सकता है जो कि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत करता दिखाई देगा। अगर किसी प्रकार कोई अभी तक रुकावटें या फिर परेशानियाँ चल रही थी तो वो सारी परेशानियाँ और रुकावटें अब दूर होती नजर आएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कन्या राशि के कहूँ अब आपके अंदर धार्मिक भावनाओं का उदय होगा। साथ ही जीवन साथी के साथ मधुर संबंधों के जीवन साथी आपके कहना मानेंगे और आपके साथ अच्छे संबंधों को लेकर और भी प्रगाढ़ता आएगी। संतान प्राप्ति के रूप में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में नन्हे से मेहमान का आगमन हो सकता है। साथ ही लव पार्टनर के साथ अच्छे यानी कि कीमती समय बिताएंगे, उनके साथ घूमने फिरने का आनंद व्यतीत करते नजर आएंगे और समय व्यतीत करते नजर आएंगे। इसमें कुछ गिफ्ट और उपहार देने की कोशिश कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई पर स्टूडेंट काफ़ी आगे रहेंगे, पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद रहेगा। आप इसमें किसी कंपटीशन की तैयारी में है तो इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अब आपकी दूर होती नजर आएगी। विदेश जाने के सुनहरे मौके मिलेंगे। विदेश में धन कमाने का अच्छा अवसर मिलेगा और विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा। और कन्या राशि का कहूँ इसमें राजनीति में लाभ होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ बड़े काम कर सकते हैं। कुछ बड़े पद के लिए आप नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। नई नौकरी लगने की संभावना बनी रहेगी और साथ ही इसमें आप जो भी निर्णय लेंगे समाज में घर परिवार में वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। घर परिवार में बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में कुछ शुभ मंगल धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है और इसमें माता पिता का आशीर्वाद भी आपके ऊपर सबसे ज़्यादा रहने वाला है। बता दें कि इस समय आपका और आने वाला समय दोनों ही बड़े चमत्कारी करेंगे क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होंगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें चल रही थी तो वो सारी दिक्कतें अब आपकी खत्म होती नजर आएगी। यकीन मानिए अब आपका जीवन आने वाला समय बहुत ही बेहतर और खूबसूरत रहेगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या अब आपके जीवन में नहीं आने वाली है। हर प्रकार की समस्याओं से माता लक्ष्मी जी आपको मुक्ति दिलाने वाली हैं। राजयोग और धनयोग बनने के कारण एवं दुर्लभ शुभ संयोग बनने के कारण कन्या राशि को अब आपके जीवन में एक नए बदलाव देखने को मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई पर उच्च शिक्षा प्राप्ति होगी। दंपत्ति जीवन में खुशी आएंगी और लॉटरी सट्टे में भाग आजमाएंगे तो लाभ होगा। रुका व फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट कोई डील फाइनल हो सकती है बिजनेस व्यापार में, इसलिए तो कहा है कन्या राशि के लोगों की मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार क्योंकि 7 सितंबर से राजा जैसी जिंदगी जीने का अवसर मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी खुशी में जरूर कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।